Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर शाया हुई जिसकी हेडलाइन थी विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे मुल्क में खौफ की एक लहर तारी कर दी थी क्योंकि नॉर्दर्न कनाडा में बसा एक गांव रातों रात गायब हो गया था। लेक एंजकूनी के पास बसे एक छोटे से गाँव में एस्किमो नामी एक कबीला आबाद था जिसकी आबादी तकरीबन 100 से 150 लोगों पर मुश्तमिल थी। ये लोग इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। ये नॉर्दर्न कनाडा का वो इलाका था जहां लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स तक सिर्फ चंद हजार लोग ही आबाद थे क्योंकि यहां सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। मौसम की सख्ती के बावजूद यहाँ शिकारियों का आना जाना आम सी बात थी। उस दिन जो लबेल नामी एक शिकारी वहां मामूल के मुताबिक शिकार करने आया और सूरज ढलने तक वहीं शिकार करता रहा। उसका इरादा था कि वो रात एस्किमो कबीले में गुजारेगा क्योंकि एस्किमो कबीले वाले लोग बहुत मेहमान नवाज थे। लिहाजा शाम होते ही जो ने अपना सामान बांधा और एस्किमो गांव की तरफ चल पड़ा। चांदनी रात में कुछ देर चलने के बाद जो को एहसास हुआ कि आज आसपास एक अजीब सा सन्नाटा है और उसे दूर दूर तक अपने कदमों की आहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जो इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुका था और गांव के करीब पहुंचने पर हमेशा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी जो एस्किमो कबीले ने खुद पाले हुए थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ वीरानी थी। कुछ खतरा महसूस करते हुए जो ने तेजी से अपने कदम गांव की तरफ बढ़ाए। उसने सोचा कि गांव वाले या तो कहीं गए हैं या शायद सब सो रहे हैं। जब वो करीब पहुंचा तो उसे गांव वालों के खेमे नजर आए और हर घर की चिमनी से निकलने वाला धुआं भी। लेकिन इतने करीब आ जाने के बावजूद उसे ना कोई शख्स दिखाई दिया और ना कुछ सुनाई दिया। बिलाखिर जब वो गाँव में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। गांव में कोई नहीं था, ना आदम ना आदम की जात। जो ने एक एक घर में जाकर देखा मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। जो चाहता तो ये सब कुछ नजरअंदाज करके वहां से चुपचाप जा सकता था, लेकिन एक अजीब चीज देखकर वो और परेशान हो गया। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।